नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन मेलोडीज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं यश करानी और आज हमारे साथ मौजूद है कोलकाता से एक सिंगर जिनका नाम है चंद्रानी मुखर्जी जूनियर। चंद्रानी जी नमस्कार। हाय। तो क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे कि ये 2017 का साल आपके लिए कैसा जा रहा है और आपने इस साल में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए? एक्चुअली सिंस 2016 आई एम इन मुंबई। तो मुंबई, उसके पहले मैं कोलकाता में सब काम किया। कुछ पिक्चर्स में किया और अपना एल्बम भी किया, लेकिन यू नो आई हैड टू ड्रैग माय लाइफ विथ ऑल द प्रॉब्लम्स आल्सो। सो नाउ आई एम फ्री फ्रॉम 2016। आई एम ओनली डिवोटेड टू म्यूज़िक। मेरा संगीत के लिए मैं एकदम टोटल डिवोटी हूँ। तो इधर आने के बाद लास्ट में रिसेंटली एक टीचर्स डे के ऊपर अपना प्रोजेक्ट किया। उसमें जो मैं स्कूल में सिखाती हूँ गाना, वो बच्चा लोगों से एक हैप्पी टीचर्स डे बोल के मैंने ही कंपोज किया, वो गाया। और मैंने एक सोलो किया, वो भी पूरा एक स्टूडेंट स्कूल में जाने के बाद, छोटे उम्र से बड़ा होते हुए कैसे उनका फीलिंग्स चेंज होते हैं टीचर्स के ऊपर। मतलब छोटे उम्र में मज़ा करते हैं, मस्ती करते हैं, फिर धीरे धीरे कितना सीरियस हो जाते हैं वो लोग, फिर एक दिन वो फेयरवेल करके चले जाते हैं स्कूल से। तो ये पूरा ये सॉन्ग में है। और जो जिन जिन ने मेरा ये गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। और मेरे को यही आशा है कि और लोग सुनेगा और ये एक आइटम सॉन्ग बन जाएगा स्कूल का। चंद्रानी जी, अभी अभी आपने जो बात की प्रोजेक्ट की 5 सितंबर टीचर्स डे के बारे में, क्या उस प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा ज़्यादा बात करना चाहेंगे? उनके बारे में मैं यही बोलूँगी, एक्चुअली दिस इज़ अ थीम सॉन्ग फॉर द स्टूडेंट्स। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, हम सब एक दिन ना एक दिन स्टूडेंट थे, सब एक दिन स्कूल में पढ़े हैं। ये सबके जीवन में ये होगा कि शुरू से जब हम बच्चा स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो उस टाइम वो लोग डरता है, फिर धीरे धीरे कैसे सब एक्सटम्ड हो जाता है और खेलने लगते हैं, सब बदमाशी करता है स्कूल में। स्कूल ही तो पूरा आधा घर है। फिर बड़ा होते हैं, उधर ही टीचर्स लोग फिर सीरियस हो जाते हैं, फिर ये सब पूरा है गाना में। तो ये गाना एकदम थीम सॉन्ग हो गया टीचर्स लोग के ऊपर और स्टूडेंट्स के लिए। और इसी प्रोजेक्ट की कुछ लाइन्स हम सुनना चाहेंगे, सो प्लीज। ये बच्चों के लिए है ना, वैसे टाइप का ही है। घने पेड़ की छाँव में रहते थे हम गाँव में, घने पेड़ की छाँव में रहते थे हम गाँव में, हर डाल मेरी हर फूल मेरा, वो जो पेड़ था स्कूल मेरा, वो जो पेड़ था स्कूल मेरा। चंद्रानी जी, would you like to throw some light on your background? Like we would like to know about your training, your inspiration. You know how you got started and how you entered this amazing world of music. Now this is a really tragedy. How I was inspired when I was 9 years old. You know, in Bengal, they are so much, devoted to music and all. You know, all the schools, they have a music class. So in my school also, there was a music class and there was an examination. We had to appear for it. And when my chance came, I went inside the room, and when teacher asked me, I couldn't sing anything. So teacher scolded me a lot. And I was so much, you know, sad. And that day I promised that I will learn music. I don't know how this thing inspired me. Someone scolding, how it inspired me, and now I am a singer. So many people know me. हमें ये बताइए कि आपका favorite singer कौन है? Actually, जो भी अच्छा गाता है उनको ही मैं तारीफ करती हूँ। आशा जी और लता जी का बात ही अलग है। हाँ, वो तो नेक्स्ट और नहीं बनेगा मेरे को लगता है ये। तो मैं स्टेज में ज़्यादा आशा जी लता जी का ही परफॉर्म करती हूँ। आपने जो नाम लिए लता जी आशा जी, क्या उनका कोई सॉन्ग गाना चाहेंगे आप? आप सुनना चाहेंगे? यस, व्हाई नॉट, हम चाहते हैं आपको सुनना, प्लीज गाइए। अच्छा, उमराव जान का एक गाना गाती हूँ, ये मैं स्टेज में भी परफॉर्म करती हूँ।